जीत चुकी है आईसीसी वर्ल्ड कप टी20। ये बड़ी जानकारी, भारत बना टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन। लगातार एक के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद देखिए टीम इंडिया ने ट्रॉफी अपने नाम की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है और कपिल पाजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल पाजी, वर्ल्ड कप चैंपियन टी20 का भारतीय टीम, क्या रिएक्शन आपका? कपिल पाजी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपके रिएक्शन हम देख रहे हैं, जिस तरीके से आप एक्साइटेड दिख रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के साथ अपने कमेंट को शेयर कीजिए। क्या इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को किस तरीके से आप देखते हैं? उम्मीद नहीं किया था, एक बीच पे ऐसा मौका आया था कि शायद हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन वो बुमराह का एक ओवर आया, अश्वदीप का आया, शायद वहां से बिल्कुल तब्दीली हुई। जब आप कह सकते हैं कि 20-22 गेंदों में 26 रन बनाने हैं, कोई मुश्किल नहीं आज के जमाने में, मजा आ गया देख के, इतना मजा आया शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम, जिस तरह ये खेले हैं। बिल्कुल कपिल पाजी, और जश्न की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं। हालांकि मैच एक टाइम पर ऐसा लगा कि यहां से कुछ बदल सकता है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने ओवर प्रेशर को कम करते हुए जिस तरीके से ये शानदार जीत हासिल की, वो बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय ऐसे था 80% चांसेस हो गए थे साउथ अफ्रीका जीतने के, और उसके बाद वापसी की, शायद वो टीम ने अपना कैरेक्टर दिखाया, वही सबसे बड़ी बात है। मिलजुल के आप सब की तारीफ कर सकते हो, जहां पर अक्षर ने इतनी अच्छी वर्ल्ड कप में गेंद की, एक ओवर में पूरा तब्दील कर दिया। इसीलिए टी20 का इतना रोमांच बढ़ जाता है कि एक ओवर आपको कहीं भी लेके जा सकता है। हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम। अक्षर का वो आज दिन ठीक नहीं गया जो लास्ट का ओवर उन्होंने किया, वरना मैं ये कह सकता हूँ मिला जुला कर इतनी खुशी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल कपिल पाजी, और टीम के एक एक खिलाड़ी की अगर बात की जाए, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। हालांकि जिन लोगों से उम्मीद थी, कई खिलाड़ियों से उम्मीद थी, वो बहुत खास आज नहीं चले, उसमें कैप्टन भी रहे भारतीय टीम के, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरीके से टीम इंडिया के एक एक खिलाड़ी ने मेहनत की और अब उन्होंने चैंपियन बन के दिखा दिया, बहुत ही बढ़िया। देखिए, इतने सालों से कोई ट्रॉफी नहीं आई थी और बड़े करीब से आप आ रहे थे, वापस आ रहे थे, आपकी जीत मानो जीत जीत कर हार रहे थे, और यहाँ पर जब आपको लगा कि एक समय ऐसा आया कि शायद फिर इस बार ट्रॉफी नहीं आएगी, टीम ने वापसी की और इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेली, आप कह सकते हो, आप तारीफ कर सकते हो, सूर्य का वो कैच की भी तारीफ कर सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट कैच वो हो सकता है। जब हम शुरू में बात कर रहे थे, यही कह रहे थे कि 176 रन काफी, 175 रन काफी है, लेकिन साउथ अफ्रीका की तारीफ होनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली, 3 विकेट खोकर उन्होंने वापसी की, क्या क्रिकेट खेले वो, दिल की धड़कनें बढ़ा दी। मैं तो यही कह रहा था, जिनको भी थोड़ी बहुत हार्ट की प्रॉब्लम है, मत देखो, बंद कर दो, क्योंकि हाथों में पसीना हमारे आ रहा था और चमक भी आंखों में थी, मजा आया देखकर। बिल्कुल, और कपिल पाजी, अगर आपके हिसाब से मैं चाहूं दर्शकों को ये समझाना, तो आज आप कौन से खिलाड़ी को ऐसे देखते हैं कि जो आज जिन्होंने जीत के लिए उनको क्रेडिट आप दे सकते हैं, कौन सा वो खिलाड़ी हो सकता है, कौन कौन से वो खिलाड़ी जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को चैंपियन बना दिया? मैं आपकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करूंगा। जब इतनी बड़ी जीत होती है, किसी एक प्लेयर को तारीफ या किसी एक प्लेयर को डांट नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं अच्छा लगा कि विराट कोहली ने आज रन बनाए, मिला जुला कर ये टीम एफर्ट था। फिर भी एक प्लेयर की चर्चा नहीं होगी, जिस चीज की चर्चा होगी वो टीम एफर्ट की होनी चाहिए। सब प्लेयरों ने बहुत अच्छा किया, हाँ कुछ प्लेयरों का आज दिन नहीं था, कप्तान का बैटिंग में दिन नहीं था, लेकिन टीम को संभाल के रखा, कैसे चर्चा कर रहे थे गेंदबाज के पास, किस तरह बॉलिंग करनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैं नहीं किसी का नाम लेना चाहता कि कौन ज्यादा बढ़कर खेला, हर प्लेयर ने अपना काम बहुत ही बखूबी से किया।
बिल्कुल, और भारतीय टीम विश्व विजेता जरूर बनी है, लेकिन इसके साथ ही अगर दक्षिण अफ्रीका के मैच को देखें, जैसे लास्ट मोमेंट पे उन्होंने दो तीन ओवर में उन्होंने जैसे मैच को पलटा और बदला, वो बहुत ही रोमांचक पल दिखाई दिया। ये नहीं लगा उस समय कि शायद इस समय साउथ अफ्रीका मैच हाथ से ले गई है। इंडियन टीम डोमिनेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो दो ओवर आप कह सकते हैं अर्शदीप का या बुमराह का आया, और उसके पास हार्दिक पांड्या ने इतना इंपॉर्टेंट ओवर किया, और उस जगह क्योंकि थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया था, अक्सर 19वां ओवर बुमराह करते हैं, इस बार नहीं किया क्योंकि पहले वापसी करनी थी, तो इसलिए कप्तान की तारीफ होगी जिस तरह उन्होंने यूज किया, और अखीर में आपको 15-16 रन दे दिए, कोई गेंदबाज भी होगा और मेन बैट्समैन नहीं होंगे तो जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। वहां पर मिलर की विकेट और जो सूर्या ने कैच पकड़ा। सर, सबसे पहले आपसे रिएक्शन इस जीत पर, क्या आपका रिएक्शन रहेगा? मतलब ये तो ना वो आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो टियरी आईड अप होते हैं, क्योंकि ये खुशी के आंसू है। इतने समय से इंतजार कर रहे थे, बहुत पास तक पहुंचते थे, ये लगातार अभी 6 महीने पहले फाइनल्स था, उससे पहले WTC का फाइनल था, इतने फाइनल्स में आप पहुंचते हैं लेकिन आप जीत नहीं पाते, तो फिर दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं। और एक्चुअली तहे दिल से एक्चुअली शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं मैं तो भारतीय टीम का कि ये दिन हमने देख लिया। 2011 में देखा तो उसके बाद लग रहा था फटाफट हो जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप इतनी आसानी से आप नहीं जीतते हैं। वो जीत आई थी 28 साल के बाद, ये जीत आई है 13 साल के बाद। और आकाश जी देखिए, ये तस्वीरें आ चुकी है, ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, विश्वास सारंग है वहां के मंत्री, वो जश्न मना रहे हैं। हालांकि सुबह से ही इन्होंने काफी तैयारी की हुई थी मैच के लिए, एक बड़ी स्क्रीन भी उन्होंने अपने घर में लगाई हुई थी जिस पर वो मैच लगातार देख रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था। और अब देखिए जश्न की तस्वीरें शुरू हो चुकी है, और ये जश्न की तस्वीरें लाजमी भी है भारतीय टीम के लिए। ये तो मैच भी वैसा था जिसके अंदर मतलब आपका जो सीना है वो हलक में रह रहा था, मतलब प्रॉपर वो वाला मैच जिसमें आपको लगा मैच में नहीं है। हेनरिक क्लासन का जो तूफान आया था उसने मैच को एक तरफा कर दिया था, और उसके बाद जो चीज किसी ने नहीं देखी एक्चुअली वो थी ऋषभ पंत को चोट लगना, मैच कम से कम 7-8 मिनट के लिए रुक जाना, उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं, पहली बॉल पे विकेट गिरता है, कई बार वो जो ब्रेक होते हैं ना वो चीजें बदल देते हैं। उस समय खेल ही नहीं हुआ लेकिन वो खेल बदल गया, और हेनरिक क्लासन का आउट होना, बुमराह का ओवर डालना, ये ड्रीम कम ट्रू हुआ है क्योंकि साउथ अफ्रीका खेली बहुत अच्छा है, इसमें डाउट नहीं है, पर अंत में विजयी भारत। अतुल जी का भी रिएक्शन लेते हैं क्योंकि चेहरे के हाव भाव बॉडी लैंग्वेज इस वक्त बता रहे हैं कि बिल्कुल वो जो अंदर से खुशी है जो मैं इस वक्त महसूस कर रही हूँ, एक दर्शक के रूप में, एक एंकर के रूप में भी, वो हमारे मेहमानों के चेहरों पर भी दिखाई दे रहा है। सर, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या एक पल को डर लगा था कि ये मैच हाथ से जा रहा है जब लास्ट के 2-3 ओवर बचे थे? बिल्कुल, मेरा तोता थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने 28 रन बोले थे पर जीत गए, ठीक है, तो ये तोते को आज मैं कल स्पा कराऊंगा ट्रीटमेंट। और पाजी ने बोला आंखों से पसीना निकाल दिया पाजी ने, पर मुझे लग रहा है कि देखिए साउथ अफ्रीका को मिलना चाहिए गोल्ड मेडल, कि जीत के जबड़ों में से हार कैसे चुरानी है इनसे सीखे, क्योंकि ये जीता हुआ मैच था, 30 में 30 विकेट साथ में है, पर साउथ अफ्रीका कुछ ना कुछ ढूंढ लेता तरीका, और ये मुझे लगता है विश्वास था रोहित शर्मा को कि कहीं ना कहीं समथिंग्स गॉट अ गिव, और वो हुआ। पर हमारी टीम ने कमाल, हार्दिक पांड्या का 20वां ओवर करना, आप 6 महीने पहले आप सोच नहीं सकते थे, पर कैलकुलेशन थी जो बुमराह ने मैच सेटअप किया, और कहते हैं ना T20 में 19th ओवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर, पर उसके बाद देखिए पर ये आज हमने जीतना ही था, तो मुझे लगता है कि पाजी को बिल्कुल। और देखिए ग्राफिक भी कुछ हम दिखा रहे हैं जो की पॉइंट्स हैं उसके, 17वें ओवर में हार्दिक ने क्लासन को आउट किया, और ये जो टर्निंग पॉइंट्स रहे मैच के वो हम दिखा रहे हैं, 18वें ओवर में बुमराह ने 2 रन देकर विकेट लिया, ये भी टर्निंग पॉइंट मुकाबले का रहा, 19वें ओवर में अर्शदीप ने सिर्फ 4 रन दिए, ये भी एक बेहतरीन कदम साबित हुआ, ये स्ट्रेटेजी जो थी वो बहुत ही बेहतरीन मैच जीतने के लिए रही। इसके अलावा देखिए 20वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य ने मिलर का कमाल का जो कैच लिया, वो जो देख के वो वहीं से हमने ये अपने माइंडसेट को बना लिया कि अब तो हम जीत रहे हैं। आखिरी ओवर में हार्दिक ने सिर्फ 8 रन दिए, ये स्ट्रेटजी भी काफी बेहतरीन रही, और ये जो टर्निंग पॉइंट है ये आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ABP न्यूज ने मैच के लिए जो तैयारी की है, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से मैच के एक एक अपडेट हमने आपके सामने रखे, वही टर्निंग पॉइंट भी अब हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 18वें ओवर में बुमराह ने 2 रन देके विकेट झटके, और ये भी जीत के लिए शानदार कदम दिखाई दिया,
और देखिए लगातार हम टर्निंग पॉइंट पे आकाश जी बात कर रहे हैं और ये जो टर्निंग पॉइंट है, चाहे सूर्य ने मिलर का जो कैच लिया, वहीं से जीत का जश्न शुरू हो गया, वो तस्वीरें दिखने लगी थी। वो एक्चुअली जश्न में ना, वो कहते हैं वो आखिरी में वो जो पटाखे जो बजाने शुरू करना होता है वो वाला काम था सूर्या का वो कैच, लेकिन उससे पहले जो जसप्रीत बुमराह का जो ओवर था वो होता है जैसे फाइनल थ्रो की, अब आपने लास्ट थ्रो ऑफ द डाइस, अब यहाँ कुछ हुआ तो हुआ वरना खत्म है, क्योंकि रन बॉल चाहिए। वो गेंद करने आते हैं और मार्को यॉर्कर के डंडे पे मारते हैं, रन वो कुल दो देते हैं। सडनली मिलर के ऊपर प्रेशर आता है कि अब यहाँ से कैसे निकलूंगा। जसप्रीत बुमराह मतलब नेशनल ट्रेजर है, ये एसेट है बंदा, ऑनेस्टली ही इज प्लेयर ऑफ द सीरीज। अगर है बुमराह का जैसे ही ओवर पड़ना शुरू हुआ अर्जुन जी, वैसे ही लोगों में एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगी कि ये बहुत अच्छा कदम रहा कि बुमराह को लेकर आए। नहीं, मुझे लगा जो एक तो 24 रन का जब ओवर गया था अक्षर का, हाँ, वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारे जो ट्रम्प कार्ड थे दोनों स्पिनर, आज बहुत पिटाई हुई है, पर फिर भी हमारी टीम में इतनी डेप्थ थी कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो लेके आएगा प्लेट पे। और हार्दिक पांड्या लेके आए हैं, बड़ी परेशानी से निकल रहे हैं। मैंने पहले कहा था, क्योंकि जब आदमी मुसीबत में होता है तो आउट ऑफ द स्किन प्ले करता है, तो आज उन्होंने कर दिया काम बिल्कुल। और बहुत सारे मैचेस में हमने देखे हैं, जिताऊ ऐसे मैचेस हमने देखे हैं जहां पर टीम इंडिया एकदम फाइनल तक पहुंचकर और जीत के करीब जाकर वो हार जाती है, लेकिन आज भी एक समय पर ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा ही मूवमेंट आने वाला है, निराशा भी दिखने लगी। हमारी खुद स्टूडियो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हम लोग मैच लगातार देख रहे थे और ऐसा लग रहा था भगवान अब कुछ करना होगा आपको, और वैसा ही मैच आज ये देखने को मिला। कमाल का मजा आ गया, एक्चुअली चमत्कार वाला था, क्योंकि उस समय क्रिकेटिंग लॉजिक ये कह रहा था कि आपके जीतने के चांसेस मुश्किल से शायद 2-5% रहे होंगे, क्योंकि 10% थे क्या, ओके 10% वो जो भी कैलकुलेटर में जिसने बनाया होगा उसे 10% दिया हमें चांसेस। लेकिन जसप्रीत बुमराह एक बार पहले भी था जब भारत के चांसेस सिर्फ 8% थे, वो पाकिस्तान के सामने मैच था वहां से जीते, अब 10% आपके जीत के चांसेस आप वहां से जीतते हैं। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव गली मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया, और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाए। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे हौसला अफजाई करते हुए चैंपियन टीम इंडिया की, और अब देखिए जश्न की तस्वीरें आपके सामने है, देश भर से तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं, आतिशबाजी की तस्वीरें, और ये जश्न लाजमी भी है क्योंकि 2011 के बाद अब टीम इंडिया को ये जीत हासिल हुई है, तो ऐसे में जश्न जो है ये रुकने वाली तो नहीं है। ये जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, भोपाल आपको लिए चलेंगे, नितिन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से जश्न में लोग वहां पर डूबे हुए हैं, क्या कहना है लोगों का बताइए। आप देख सकते हैं हम भोपाल में विश्वास सारंग जो खेल मंत्री के बंगले पर मौजूद है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। खुद विश्वास सारंग हाथ में तिरंगा लेकर जश्न मना रहे हैं। हम सीधे मंत्री से बात करेंगे। सर, आज भारत मैच जीतने का बहुत प्रसन्नता की बात है, आज हिंदुस्तान जीता है, ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात। उम्मीद थी आपको मैच,
निश्चित रूप से उम्मीद की भावना भी मेजबान। बहुत खुशी का माहौल है, हम सब बहुत खुश है, आप जोर सबका देख सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट गेम था पर भारत ने कर दिखाया, बहुत खुश है। इस तरह से खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ये हमारे साथ एक और भाई साहब है, हमसे बात करते हैं खुद तिरंगा लेकर। उम्मीद थी आपको भारत मैच जीतेगी? जब हमने देखा फर्स्ट इनिंग में जब भारत ने रोहित उसने शर्मा ने रोहित ने अच्छे रन बनाए तो हमें लगाया था कि भारत जीत जाएगी। वो भारत बहुत ही अच्छे से जीती, बहुत अच्छे से जीती। आयुष जी आप देख सकते हैं भोपाल में जश्न मनाया जा रहा है खेल मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर और भारत के साउथ अफ्रीका से मैच जीतने के बाद से पूरे मध्य प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है। जी आयुष जी बिल्कुल, नितिन आप बने रहिए हमारे साथ, दिल्ली से दिव्यांकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांकर वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तस्वीरें हैं दिल्ली वासियों की? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गेट के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है और भारत के विश्व कप जीतने के बाद तस्वीरें क्या है ये आप ठीक मेरे पीछे देख पाएंगे, किस तरह से तमाम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हाथों में कुछ लोग तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जश्न मना रहे हैं। ठीक इंडिया गेट के ठीक सामने की ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक और इंडिया गेट है, दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन। इंडिया गेट पर जिस तरह से तिरंगा चमक रहा है वैसे ही बारबाडोस में आज तिरंगा लहराया है और साफ तौर से जिस तरह से आज जश्न का दिन है, उत्साह का दिन है और लोग यहां पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी कर लेंगे कि क्या उनका कहना है, इंडिया वर्ल्ड कप जीते क्या कहेंगे? बहुत खुशी है जी इस बात की, बहुत खुशी मिली इंडिया वर्ल्ड कप। इंडिया 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 इंडिया। कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं, कितना बड़ा दिन है आज? बहुत अच्छा लगा, इंडिया जीती तो आज दिल खुश हो गया बड़े भाई। विराट कोहली के लिए, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम के लिए और मोदी जी के लिए। भारत माता की, बहुत खुशी हुई, इंडिया मैच जीती बहुत ज्यादा। विराट कोहली का बहुत ज्यादा जबरदस्त वो था कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। कोहली इंडिया जीतेगी, खिलाड़ी बड़ा मैच, कोहली कोहली हार बड़ी खबर। ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप विराट ने ऐलान कर दिया है और ये मैच जीतने के साथ ही T20 वर्ल्ड कप जीतने पर विराट कोहली का बड़ा ऐलान, जीत के बाद विराट कोहली का ये बड़ा ऐलान है। कपिल पाजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल पाजी यहाँ पर विराट कोहली ने साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप उनका। बहुत बढ़िया, देखिए उन्होंने उनका करियर और उनका आज हम चर्चा कर रहे थे कि अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं और विराट कोहली बेहतर खेलते हैं इससे अच्छा गुड बाय क्या हो सकता है। उन्होंने खुद ये निर्णय लिया, बहुत मजा आया और उनको तमाम खुशियां मिले जिंदगी में, ऐसी हमारी सोच है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने क्रिकेट को खेला है और नए युग को सिखाया है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए और इतना कुछ हिंदुस्तान के लिए किया, तो हम चाहते हैं वो खुश रहे अपने परिवार के साथ और उनको जिंदगी में खुशियां मिले। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया मैच देख के, मजा आ गया विराट कोहली की इनिंग देख के और अच्छा भी लगा उन्होंने हाई नोट पे बोला कि गुड बाय। बिल्कुल, और T20 से संन्यास का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कपिल पाजी, क्योंकि हम लोग लगातार रिएक्शन भी ले रहे हैं। आकाश जी आपका क्या कमेंट होगा इस गुडबाय को लेकर? तो मैं एक्चुअली में हैरान नहीं हूँ क्योंकि ये जनवरी में मुकाबले थे अफगानिस्तान के साथ बैंगलोर में, वो मैच में कवर कर रहा था, मेरे साथ जहीर खान खड़े थे, आके वो बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरा T20 आखिरी है। तो ये पहले डिसाइडेड था, अब वो यहाँ फाइनल तक पहुंचेंगे, ऑब्वियसली किसी को पता नहीं था फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी आपके हाथ में। ये इमोशनल सडन डिसीजन नहीं है, इसकी सोच ऑलरेडी थी। इस शो पे हमने एक्चुअली मैच से पहले भी चर्चा की थी कि मे बी इट्स टाइम टू से गुड बाय, पर इससे बेहतर कहते हैं गुड बाय में गुड सिर्फ शब्द में होता है, वैसे गुड नहीं होता है, लेकिन आज अगर आप गुड बाय कह के जा रहे हैं तो ये डेफिनेटली इसमें वो गुड भी है और बाय भी है। और जीत के साथ बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ विराट कोहली ने गुड बाय कहा है, तो इसे अच्छा नोट और अच्छा डिसीजन कह सकते हैं तुलसे। देखिए मैं तो कह रहा था आपको कि आज ये इनका आखिरी होगा, पर मुझे लगता है कि यार एक पूछते हैं लोग कि रिटायर कब करें, जब आपको लोग पूछे कि वाई
ये ने पूछा वेन, तो मुझे लगता है इसके बाद इस पीक के बाद इसके बाद डाउन नहीं है, इसके बाद इसको कैसे मैच करेंगे। तो मुझे लगता है अच्छी बात है कि आप हाई पे जा रहे हैं और ये वर्ल्ड कप आया है और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताया है, तो मुझे लगता है कि बड़े दिनों से ये मंकी ऑन द बैक था जो हट गया। और साउथ अफ्रीका का नाम मैं रख रहा हूँ अभिमन्यु, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना आता है पर निकलना नहीं आता, कितनी बार ऐसा करा है उन्होंने। और मैं थोड़ा सा उनके लिए दुख लग रहा है क्योंकि इतनी बार गए और बड़ी अच्छी टीम रही है, 92 में इनकी वापसी हुई थी, पर ये मैच तो जीता हुआ उन्होंने हारा है। और ये तारीफ करूँगा भारतीय टीम की कि उन्होंने छोड़ा नहीं, और 24 रन के बाद का ओवर जो था और जो कैच जो है, ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। मैंने तो मैच, मैंने बोला था विराट कोहली बनेंगे, बन गए, पर मैं जब 24 रन पड़े थे ना तो मैं आप तोते को मारने लगा था, आपने तोता बच गया। चलिए आपका तोता बच गया और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, चर्चा आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे जो ग्राउंड से रिपोर्टर जुड़े हैं उनसे भी अपडेट लेते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं। रिया ग्रेटर नोएडा से मेरी सहयोगी इस वक्त फ्रेम में दिखाई दे रही हैं। रिया, किस तरीके का रिएक्शन है इस जीत पर, लोगों से बातचीत कीजिए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए जो तूफानों में पलते हैं वो हालात बदलते हैं, और हालात आज बदले हैं भारतीय क्रिकेट टीम ने, और उसकी ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करने के लिए काफी है भारतीय क्रिकेट फैंस की जो खुशी है। देखिए ये जो इंडिया इंडिया की गूंज है, ये गूंज आज जरूर उस स्टेडियम तक भी पहुंच रही होगी जहां पर ये मैच हुआ है। देखिए लोग हताश थे, नवंबर 2023 में जो मैच हुआ था उससे लोग हताश थे, और उस मायूसी का आज निवारण हुआ है, और आज वो जो खुशी है क्रिकेट फैंस की वो वापस आई है। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आज ये जो मैच हुआ है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे क्रिकेट टीम के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी को बधाइयां, वो दौर देखा है हमने 23 का 19 का, आज उनके चेहरे जीतना चाहते थे, उसे एक ओवर के बाद मायूस थे, लेकिन आज हम सब यहाँ खड़े हैं उस जीत के लिए, एक भारत के लिए, हमारे कोहली के लिए, बुमराह के लिए, रोहित के लिए, ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। सूर्य बाबू का केस था जिसने मैच बदल दिया, सूर्य ये वर्ल्ड कप की जो विक्ट्री है ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ के लिए एक बहुत बड़ा हमारे तरफ से तोहफा है। गेंदबाजी, गेंदबाजी के बारे में क्या? बुमराह लेजेंड है, बुमराह लेजेंड है, लेजेंड बुमराह। हम अक्सर बल्लेबाजों की बात करते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह लेजेंड है। बुमराह जो है वो क्या कर दिखाया है, तो देखिए चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, सभी से क्रिकेट फैंस नजर आएंगे। वी हैव बीन वेटिंग फॉर लास्ट 13 इयर्स, 2011 के बाद 13 साल का सूखा आज खत्म हुआ, 2018, 19, 20, 21, 22, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस वर्ल्ड कप। कृष्णा वहां की तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात कीजिए किस तरीके से जीत के जश्न को वो मना रहे हैं। हमारा भारत के जीत के बाद मुंबई में दिवाली मनानी शुरू हो गई है, भारत के जीत को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इनसे पूछेंगे। भाई साहब आप बताइए कि भारत जीता है, 13 साल का सूखा खत्म हुआ है, क्या कहेंगे? भारत माता की जय, भारत ने जीत लिया है, ये सब इन्होंने पूरा वो जीत लिया, पूरे दिन को पिला दिया है भारत। एक समय लग रहा था कि साउथ अफ्रीका हावी हो रही है हम पे, किस तरीके से जब तक बुमराह है, पांड्या है, तब तक कोई हावी नहीं हो सकता इंडिया पे। विराट कोहली ने यह कह दिया है कि यह उनका आखिरी T20 है, उन्होंने कहा है कि आखिरी T20 है, आपको क्या लगता है कि इससे अच्छा जो है फेयरवेल उनके लिए नहीं हो सकता था? अरे अच्छा होगा, आगे भी होगा, आज की जीत सूर्य कुमार की जो कैच लिया, और हार्दिक की बॉलिंग, अक्षर की बैटिंग, उसमें विराट कोहली की जीत वही होगी। अब कोहली और खेलेगा, कोहली जीता है, कोहली और खेलेगा, इंडिया कोहली को और खेलना चाहिए। देखिए रोमाला यहाँ पे जो फैंस है वो ये कह रहे हैं कि कोहली को जो है वो और खेलना चाहिए। रोहित और कोहली 100%, रोहित अभी 50। बिल्कुल कृष्णा, लोगों से बातचीत कीजिए, वहां पे जिस तरीके से संन्यास का भी ऐलान विराट कोहली ने किया, उस डिसीजन को लोग कैसे देख रहे हैं?
तो देखिए लगातार तस्वीरें, जीत के जश्न की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, ग्राउंड पर क्या तस्वीरें सब कुछ दिखा रहे हैं। और मेहमान जो हमारे हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं आकाश जी, क्योंकि लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से चैंपियन टीम इंडिया बनी, जो कम बैक किया ओवर प्रेशर से, तो क्या धीरे धीरे टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी बदल रही है? क्योंकि बहुत सारे मैचेस में हमने देखा है कि जो जिताऊ मैचेस रहे हैं वहां तक पहुंचने के बाद भी टीम इंडिया ओवर प्रेशर में आकर उस मैच को वो हार जाती है, लेकिन आज जिस तरीके से प्रदर्शन दिखा, स्ट्रैटेजी चेंज की उसके बाद ये जो जीत हुई, तो क्या कहीं ना कहीं ये सब कुछ सीखा जा रहा है? देखिए कहते हैं खेल जो है वो आपका चरित्र दिखाता है, लेकिन खेल आपका चरित्र बनाता भी है। और ये वो चरित्र मतलब बना है क्योंकि आप जब खेलते हैं बहुत पास पहुंचते हैं, आप हार जाते हैं पर हार से सीखते हैं, फिर अगली बार आप उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। और उस प्रकार का प्रदर्शन आज आपको दिखा कि जब रन बॉल चाहिए, विकेट सामने हाथ में हो, बैटर ठीक ठाक खेल रहा हो, अगर आप तब भी जीत की उम्मीद नहीं छोड़ते, इसका मतलब यह है कि आपने पिछली हार से सीखा है। तो हर हार से सीख लेना और आगे की तरफ बढ़ जाना, ये उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त पहचान आज नज़र आई है। और मेरा तो ये मानना है बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये बैटिंग कंट्री है, हम बैटर्स को सेलिब्रेट करते हैं, पर ये टूर्नामेंट उन्होंने जिताया। ये टूर्नामेंट ना अक्षर पटेल ने छोटे छोटे काम करके, बड़ा वो हमारा अंडररेटेड प्लेयर रहा और उसने जिताया। और बॉलर्स की तारीफ करना, आई थिंक ये वाला टूर्नामेंट विल इवेंचुअली बी रिमेंबर्ड कि भैया हमारे बॉलर्स ने क्या किया। बिल्कुल, और अक्सर हम बल्लेबाजी की तारीफ करते हैं लेकिन बुमराह की वजह से कहें या जो ये प्लेयर्स जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी की वजह से तो इस जीत को हासिल किया ही, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने विकेट झटके, जिस तरीके से प्रदर्शन किया, अब हम ये भी बात कर रहे हैं कि बॉल लेना कितना जरूरी है, अच्छी बॉलिंग करनी कितनी जरूरी है। बोलो मेरे साथ, देखिए जब आप टूर्नामेंट जीतते हैं ना तो आप इससे टीम एफर्ट, अब जब आप मैच जीतते हैं तो एक आधा आपको ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मैच जिताता है, पर टूर्नामेंट आप सिर्फ कलेक्टिव से जीतते हैं, तो आप सिर्फ एक का नाम नहीं ले सकते। यहाँ पे जो अक्षर ने बैटिंग करी आज रन खाए हैं, आज हमने आशा नहीं की थी, ऐसे 100 रन पड़ गए दोनों स्पिनर्स को, तो जडेजा के हम कह रहे थे पर उसके बावजूद बाकी लोगों ने कैचअप किया। तो ये होता है कि जब एक किसी खिलाड़ी का दिन खराब होता है तो दूसरे टीम क्या करती है, और क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअल नहीं है, तो हम कई बार इंडिया में क्या होता है कि इंडिविजुअल स्टार को बहुत ज़्यादा कई बार इंपॉर्टेंस दे देते हैं, पर दिस इज अ मोमेंट फॉर टीम। बिल्कुल, और विराट कोहली कई बार से चल नहीं रहे थे तो उनके लिए लोगों में थोड़ा एक गुस्सा भी दिखाई दे रहा था कि आखिर टीम इंडिया में विराट कोहली क्यों नहीं चल रहे हैं। वो उनको पकड़ा है, जिसने बोला था ड्रॉप करो मेरे पास, अभी उसको हमने पकड़ा हुआ है। दिल्ली में खड़ा था इंडिया के, उसकी ग्लास लगाई है अभी। तो इस लेकिन आज के मैच के लिए अगर कहें तो विराट कोहली ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उन्होंने बता दिया कि जब भी वो कुछ बेहतर डिसीजन या ठान ले वो करके दिखा देते। मैंने कहा था मैराथन मैच बनेंगे, बन गए, तो बिकॉज कॉमन द आवर कॉमन द मैन, जब जरूरत पड़ती है तो बड़ा खिलाड़ी आता है, और मुझे लगता है कि ये जो बड़े दिन से रन इकट्ठे कर रहे थे फाइनल के लिए उन्होंने जोड़े हुए थे जो कर दिया आज, पर इनके रन भी कम पड़ जाते अगर हमारे बॉलर साथ ना देते। तो आई थिंक इट इज़ अ कम्बाइंड एफर्ट, आप किसी एक एक फैसेट को या एक खिलाड़ी को आप पूरा नहीं दे सकते श्रेय। बिल्कुल, और कपिल पाजी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल पाजी देखिए, जैसे हम लगातार ये भी बात कर रहे हैं कि जीत तो बहुत ही शानदार रही, लेकिन जिस नोट पर विराट कोहली ने ये संन्यास का ऐलान किया, आपके हिसाब से भी या जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके हिसाब से भी ये बेहतर डिसीजन है, लेकिन लोग अभी भी उन्हें चाहते हैं कि वो और ज़्यादा खेले, अभी भी उनके संन्यास वाले डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश ग्राउंड पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अभी भी जो सचिन तेंदुलकर के फैन है वो आज भी चाहते हैं वो खेले, वीरेंद्र सहवाग या युवराज के, हम चाहते हैं कपिल पाजी खेले दोबारा। वो तो नहीं हो सकता, पर जो जिसके फैन होते हैं वो हमेशा बुरा मानते हैं कि हमारा हीरो क्यों रिटायरमेंट ले रहा है, लेकिन एक वक्त होता है, अगर आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो नई जनरेशन कहाँ से आएगी, और जो इतनी सेवा करके गया है देश की, इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं। एक समय आता है जब प्लेयर खुद कहता है, ना बहुत अच्छा लगता है कि मेरा समय आ गया है, हम नहीं चाहते हमारे हीरो सारी उम्र खेले, लेकिन अगर उन्होंने डिसीजन लिया तो हम उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, और हमें कहना चाहिए कि आपने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया और शायद जिंदगी आपको इससे भी ज़्यादा खुशियाँ लेके आए। बिल्कुल, और अतुल जी जिस तरीके से, क्योंकि कपिल पाजी भी देखिए कह रहे हैं कि अगर आप संन्यास नहीं लेंगे या गुड बाय नहीं कहेंगे तो फिर आगे वाली जनरेशन को कैसे मौका मिलेगा, तो उभरता हुआ खिलाड़ी विराट कोहली के तरीके से अब आपको कौन दिखाई देता है टीम? ये भी मैंने कहा था शो में
आकाश मैंने गवाया नहीं, मैं आपके बिल्कुल गवाया नहीं, पर मुझे लगता है कि अभी इतना दुख बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि विराट अभी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, वनडे खेलेंगे, तो सिर्फ T20 से इंडिया के लिए जा रहे हैं, पर हमें नजर आएंगे और जिस तरह की फिटनेस है उनकी, तो मुझे लगता है कि वील कीप ऑन सीइंग हिम फॉर फ्यू इयर्स नाउ, बिकॉज अब ये जितने उम्र के हैं पर ये लगते हैं बिल्कुल जवान है, तो मुझे लगता है कि ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्रिकेट एक बार छोड़ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको जब तक जो रहता है ना कि ग्राउंड पे जाने का, अभी थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ विजुअल्स, बट ये चिंता ना करें, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि विराट कोहली फोन पर बात कर रहे हैं, और ये बहुत फेमस तस्वीर है, हर मैच में इस तरीके की तस्वीर, जो उनका केयरिंग नेचर है अपनी फैमिली के लिए वो भी दिखाई देता है आकाश जी। एब्सोल्युटली इनके साथ रहते हैं ऑफ कोर्स, और सी फैमिली के साथ, और ये हो सकता है कि ये डिसीजन इसके लिए भी हो कि वो अपने परिवार को समय दे सके। देखिए T20 क्रिकेट तो उतना वैसे भी समय दे ही रहे थे, लेट्स बी फेयर, क्योंकि पिछले T20 वर्ल्ड कप से इस T20 वर्ल्ड कप तक सिर्फ 3 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो ऐसी बात नहीं है कि फैमिली को समय देने के लिए एक्चुअली छोड़ा है, क्योंकि खेलते तो रहेंगे, जैसे अभी अतुल भाई ने कहा टेस्ट भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे, अभी IPL भी 2 महीने खेलेंगे, तो वो एक अलग बात है, पर एक समय होता है जब आपको कहना होता है ना कि भाई अब मेरा जाने का समय हो चुका है, बड़ा अपॉर्चुन मूवमेंट पे किया है कि आप जीत के साथ जा रहे हैं, इससे बेहतर क्या। बिल्कुल यार, बिल्कुल, लेकिन देखिए जो सवाल और जिस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कपिल पाजी से, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से वो दर्शकों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझाएं कि, क्योंकि दर्शक अभी भी जो उनके फैंस हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि उनको संन्यास लेना चाहिए था, लेकिन कपिल पाजी क्या ये बेहतर समय विराट कोहली के लिए जब उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। देखिए प्लेयर खुद जानता है, और अगर अगर हम चाहते हैं कि अगला कोई विराट कोहली आए तो उनको जाना होगा, सचिन को एक दिन जाना होगा, सब प्लेयरों को एक ना एक दिन जाना होगा, और इतनी देर तक देश की सेवा किया, और अब हमें ये होगा कि अगला विराट कोहली कौन होगा, जो आपने प्रश्न पूछा है, अगला विराट कोहली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनेगा, तो इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया है, हमें उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर वो नहीं लेते तो भी हम रिस्पेक्ट करते कि जब उनको लगता है सही टाइम, या सेलेक्टर्स को लगता है कि अब इनका टाइम आ गया है, तो हम सोच रहे थे शायद रोहित शर्मा भी संन्यास ले लेगा, उन्होंने अभी तक नहीं लिया, हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम क्रिकेट प्रेमी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हीरो सारी उम्र खेलते रहे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, एक ना एक दिन आपके अंदर से आवाज आती है कि अब बहुत हो गया T20 का, जैसे अतुल ने कहा शायद वन डे और टेस्ट मैच देखेंगे, कब तक देखेंगे ये नहीं मालूम, सबसे ज्यादा जब तक आप परफॉर्म देते करते रहोगे आपको देखते रहेंगे, उससे ज्यादा है कि छोड़ना सबसे मुश्किल है, जिस चीज से आपको मोहब्बत है प्यार है उसको छोड़ना एक बहुत ही कठिन है, और जब ये एक प्लेयर ये डिसीजन लेता है तो उसका रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल, और शायद विराट कोहली भी आज के दिन के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि वो बेहतर फॉर्म में दिखें अपने फैंस को, और फिर एक बेहतरीन डिसीजन भी अपने दर्शकों के सामने अपने फैंस के सामने रखें, क्योंकि अतुल जी लगातार हम इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, और जैसा कि कपिल पाजी भी कह रहे हैं कि सम्मान करना चाहिए अगर कोई क्रिकेटर अगर इस तरीके का डिसीजन लेता है, लेकिन अब ये एक नया फॉर्मेट भी दिखाई दे रहा है कि बहुत कम एज में अलग अलग टूर्नामेंट या फिर T20 हो या अलग अलग मैचेस में अब जो क्रिकेटर हैं वो संन्यास की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अब ये जो जल्दबाजी कहें या फिर सही समय पर सही डिसीजन लेना कहें, ये ट्रिक अब दिखाई देती है। नहीं, मुझे लगता है कि इस समय इंडियन टीम जीती है, उसमें ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि जो टीम जीती है विराट कोहली ने करा है, अभी आगे खेलेंगे वो समझदारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इस पीक के बाद और बेटर क्या करेंगे, इसके बाद तो डाउन है ना, अब जब भी करेंगे तो लोग उन्हें एनालाइज करेंगे, और मुझे लगता है कि जब बड़ा खिलाड़ी रिटायर होता है ना, तो अब अगर जब आप नहीं रिटायर हो रहे और आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो यादें आप अपनी ग्रेटनेस को भुलाने के लिए कर रहे हैं, तो आप हमें याद रखेंगे स्ट्रगल करते हुए, तो अब जब पीक पे छोड़ रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू हिम। और देखिए तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, और रिया के पास एक बार फिर से चलते हैं, ग्रेटर नोएडा। रिया बात कीजिए लोगों से, तस्वीरें दिखाइए जश्न की। जी ये जो मैच हुआ है इसकी इसके बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के, आप देखिए लोग बेहद खुश नजर आएंगे, और इंडिया इंडिया के जो नारे हैं वो जरूर पहुंच रहे होंगे, क्रिकेट टीम तक भी बात करेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे। बहुत अच्छा खेला बुमराह ने, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, अनएक्सपेक्टेड मैच जिताया है।
है और मैच केवल जो बनाया है वो विराट कोहली की इनिंग ने बनाया है। बैटिंग में क्या लाजवाब प्लेयर था, क्या बैटिंग करी उन्होंने फाइनल में, और बॉलिंग में बुमराह ने जो बॉलिंग करी है लाजवाब बॉलिंग। सूर्या कुमार के कह देखिए जो खुशी है हर एक खिलाड़ी को यहाँ पर श्रेय दिया जा रहा है, चाहे वो आपके पीछे एक छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा है। देखिए इतने छोटे बच्चे को भी लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। जरा बात कीजिए किस तरीके की तैयारी आज के दिन के लिए लोगों ने वहाँ पर की थी। जी आज के दिन की तैयारी क्या थी, किसने मैच पूरा देखा? पूरा किसको श्रेय देंगे, किस खिलाड़ी ने सबसे बढ़िया? सूर्या कुमार का कैच जो देखिए जो मैच रहा है हर एक खिलाड़ी को श्रेय दिया गया। और देखिए लोगों ने सुबह से तैयारी की थी, अभी भी आपको आतिशबाजी होती नजर आएगी। बिल्कुल, और आवाजें भी आ रही है, आतिशबाजी की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। रिया लौटते हैं आपके पास, दिव्यांकर के पास एक बार फिर से मैं जाऊंगी। दिव्यांकर इंडिया गेट की तस्वीरें दिखाइए एक बार फिर से, लोगों से बात कीजिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें वहां की दिख रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इंडिया के जीतने के बाद आतिशबाजी हो रही है, लोग इंडिया के जयकारे लगा रहे हैं और साफ तौर से जो फैंस हैं इंडिया के वो काफी ज्यादा उत्साहित है। इनसे बात कर लेते हैं और क्या कहना है जी, क्या कहना है आपका? भैया देखो, हम तो मतलब शुरू से मैच देख रहे थे और बहुत शौकीन है मैच के। हम 17वें ओवर में सोच चुके थे कि इंडिया हार गई, पर मैं मैसेज देना चाहूंगा एक पूरी कंट्री को कि हम लोग ना क्रिटिसाइज करते हैं। जब अक्षर पटेल पिटा था 16th या 17th ओवर में, हमें लगा इंडिया मैच हार गई, पर वी शुड नेवर लूज होप। और ये हमारी जिंदगी का भी उसूल है कि हमें कभी भी ना होप छोड़नी नहीं चाहिए। और अगले ओवर में ऐसा मैच बनाया कि आज हम सारे देशवासी यहाँ खड़े हैं, तो कभी भी ना क्रिटिसाइज मत करो किसी भी प्लेयर को, क्रिकेट में होप नहीं छोड़नी चाहिए। क्या कहना है आपका? सर देखो, मैं आपको एक बहुत सच बात बताता हूँ। 19 नवंबर को दिल टूटा था, और ये दिल कैसा टूटा था मैं वो आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक बॉयफ्रेंड के मिजाज से गर्लफ्रेंड छोड़ के गई 19 नवंबर को, लड़के की तलाश थी अच्छी सुशील लड़की की, आज वो हमें मिल गई। और अब जो खुशी